सभी को जय गुरु। आपका और आपका परिवार वालों का स्वास्थ्य और सुमंगल के लिए हम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रातुल चरणों में कोटि कोटि प्रार्थना करते हैं। अभी कोरोना का सेकेंड लहर के वजह से केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हम सारे सत्संग भाई बहन सब अपना प्रिकॉशन लेके कहीं घर से बाहर जा रहे तो मास्क लगाना, सैनिटाइज यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारा पीछे कोई आके खड़ा हो रहा है वो कभी फॉलो नहीं करेगा सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हम उनको पीछे वाले को देख के थोड़ा सा आगे होंगे या उसी हिसाब से हम बिहेवियर करेंगे। जो दोनों डोज भी ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन ये 2-4% केसेस में हो रहा है। ऐसे नहीं कि सभी लोग जो ले रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो दोनों डोज ले रहे हैं उसमें कोरोना का इफेक्टिवनेस कम हो जा रहा है, तो आप लोग ज़रूरी अपना टर्न के हिसाब से जाके कोविशील्ड या कोवैक्सीन जो भी है आप जाके लीजिए ज़रूर। कई लोगों का भी थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी वैक्सीन लेने के बाद हो रहा है, जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर आना या बॉडी पेन होना, लेकिन वो ठीक है, मतलब ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। मैंने भी ले रखा है दोनों डोज और मेरा भी फर्स्ट डोज के बाद थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हुआ था। जिस दिन लिया था उसके सेकेंड डे में थोड़ा सा नाक से पानी और सर्दी जैसे हुआ था, लेकिन रात तक वो ठीक हो गया था, उसी के लिए कोई दवाई लेना नहीं पड़ा था। तो उसमें आप लोग घबराएं मत और हमेशा नाम ध्यान करते रहिए, ठाकुर जी को अपने और मजबूत से पकड़ के रखिए और इसी कठिन परिस्थिति में हम लोग ज़रूर और निकलेंगे और साथ में अपना परिवेश और अपना देश को भी बाहर निकलेंगे। आप लोग के संस्पर्श में जो भी जनरल पब्लिक भी आते हैं आप लोग उनको उनका मनोबल सुदृढ़ कीजिए, उनको भरोसा दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। साथ में आप लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी विटामिन सी टैबलेट्स आप चिंग वाला जो चबा के खाने वाला वो लीजिए, वो भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। लेमन, ऑरेंज ये फ्रूट्स भी लीजिए, साथ में आंवला भी लीजिए, ताकि ये बहुत आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। उसके साथ साथ आप काढ़ा बना के भी पियेंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे अदरक, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, तुलसी पत्ता, दालचीनी, हल्दी, ये सब का कड़ा बना के पीजिए और आपका 100% आप देखेंगे आपका गला या आपका सर्दी ये सब ठीक रहेगा। उसके साथ साथ अपना अभी देवघर आश्रम से आचार्य देव दादा ने भी मना किए हैं, जो जो अभी सत्संग उपयोजना केंद्र में कहीं किसी के घर में जाके इष्टभूति कलेक्शन करना नहीं है या निरस्त सत्संग मंदिर में जाके भी जमा नहीं करना है, अपने घर में रहना है और कोविड का नियम ये सब पालन करना है। सारे सत्संगी भाई अपना अपना इष्टभूति अपने पास रखेंगे, आगे जब इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसी हिसाब से जाके जमा करेंगे। प्रत्येक सत्संगी भाई निज निजर इष्टार्घ्य परिस्थिति संपूर्ण स्वाभाविक न होया पर्यंत किंबा परवर्ती निर्देश पर्यंत निज पाखे रखिबे। उपयोजना केन्द्र बा मंदिर रे जमा देवाकु जिबे नाही अथवा घरे घरे बुली अर्घ्य संग्रह करिबे नाही। कोविड नियमावली निश्चिंत पालन करिबे। आप लोग
सब मिलके और सब अपना मनोबल के साथ रहेंगे तो हम ज़रूर ये परिस्थिति का मुकाबला कर पाएंगे। ना हमारा कुछ होगा, ना हमारा आसपास का या पड़ोसी का कुछ होगा। आप ठाकुर जी को पकड़ के रखिए, ज़रूर हम सारे परिस्थिति को क्रॉस करके आगे जाएंगे और हमारा जीत होगा, यही भरोसा अपने अंदर रखिए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और एक परिवार के जैसे हमेशा इंटरेक्शन करते रहेंगे। हमारा सत्संग परिवार चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और हम ऐसे जो यूजफुल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। जय गुरु।